हेलो एंड अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आज आप लोगों के लिए जो मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ ये वीडियो है यूपीपीसीएस द्वारा आयोजित जीआईसी लेक्चरर का एग्ज़ाम और उसका जो मेंस का जो पेपर होगा उसके बारे में मैं आज डिस्कस करूँगा। जैसा कि हम सब जानते हैं अभी हाल फिलहाल में यूपीपीसीएस द्वारा आयोजित है कि जीआईसी लेक्चरर का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया। ओके 19 सितंबर को ये पेपर कराया गया और अब बच्चों का जो स्कोर बच्चों ने देखा है अपना और काफ़ी बच्चों ने मुझे मेरे चैनल पे भी अपने जो है मार्क्स शेयर किए हैं, तो अगर वो सही हैं, अगर उन्होंने सही सोर्सेज से अपनी आंसर की मिलाई हैं और सही तरीके से देखा है, तो जो चीज़ मैंने मुझे ये नहीं कहना नहीं चाहिए कि मैंने भविष्यवाणी की थी, तो जो कि मेरा एक अनुमान था और उस अनुमान के अंदाजे पे और जो कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है बहुत सारी चीज़ों का, तो उसके अनुसार जो कि मैंने चीज़ बताई तो वो काफ़ी हद तक बच्चों के रेस्पॉन्सेज से साबित हुई। अगर आप चाहें तो आप मेरा चैनल जब खोलेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स हैं और उन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट में अपने मार्क्स शेयर किए हैं, किसी ने हिस्ट्री में, किसी ने ज्योग्राफी में, किसी ने इंग्लिश में, कोई कह रहा है केमिस्ट्री में और उसके अलावा फिजिक्स, मैथ्स, संस्कृत, हिंदी, केमिस्ट्री, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। और सिर्फ मेरी पिछली ही वीडियो पर नहीं, उससे जो पहले की वीडियोस हैं बहुत से बच्चों ने वहां पर कमेंट किया है, तो आपको अगर ये चेक करना है कि बच्चों के मार्क्स किस रेंज में आ रहे हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं और वहां पर जाके आप कमेंट बॉक्स में मैसेजेस देख सकते हैं। तो जो भी मैंने अनुमान लगाया था वो बहुत बहुत हद तक क्लोज है, क्योंकि अभी तक जितने भी बच्चों ने मुझे कमेंट किया है सबके नंबर वही आ रहे हैं, किसी ने 50 क्वेश्चन सही किए हैं तो किसी के 60 क्वेश्चन सही हैं, किसी के 70 क्वेश्चन सही हैं, किसी के 58 क्वेश्चन सही हैं। बहुत कम बच्चे, मुझे एकाध ही बच्चा या दो बच्चे होंगे जिन्होंने कमेंट किया है कि सर मेरे 75 हैं या 78 हैं, 76 हैं, जो कि चीज़ मैंने प्रेडिक्ट की थी। एक लेडी हैं, मैं आई वॉन्ट डिस्क्लोज अ नेम ऑन माई प्लेटफॉर्म, बट उन्होंने कहा कि उनके काफ़ी अच्छा स्कोर किया है उन्होंने, बस एक ही लेडी दिखी मुझे जिन्होंने कहा कि मेरे मिला के टोटल 100 से ऊपर क्वेश्चंस हैं, लेकिन उनसे एक छोटी सी गलती हो गई है, लेकिन मैं दुआ करता हूं कि वो उनकी गलती को आयोग एक्सेप्ट कर ले और उनका पेपर चेक हो जाए। ठीक है, तो गलती तो है, ठीक है, जिससे भी हुई है या जिन्होंने भी, उसके अलावा भी बहुत सारी गलती बच्चों ने की होंगी OMR में भरते वक्त या फॉर्म भरते वक्त, तो मेरी दुआ यही है कि उनका पेपर एक्सेप्ट हो और उनको चांस मिले, क्योंकि अगर कोई 100+ स्कोर कर रहा है दैट मीन्स उसके अंदर पोटेंशियल है, और इस तरीके के पेपर में कोई अगर कोई 100+ लेके आ रहा है तो सल्यूट टू हिम और हर, ठीक है, और उसको चांस मिलना चाहिए, मेरी तो यही दुआ है। लेकिन अगर इन जनरल बात करें तो वही स्कोर आ रहा है 55, किसी के क्वेश्चन सही है, किसी के 60 क्वेश्चन सही है, तो जो अगर मैं एवरेज निकालूं तो जो मैंने एक हल्का सा प्रेडिक्शन दिया था कि 50-55% यानी कि 60-70 क्वेश्चन के अगर आसपास रह रहे हैं तो आपको उम्मीद है कि आपके जो है मेंस में कॉल आने के चांसेस हैं और आपको रिटर्न का मेंस एग्जाम लिखने का मौका दिया जाएगा। क्योंकि ज्यादातर आपने देखा होगा जो यूपीपीसीएस द्वारा जो आयोजित एग्जाम होते हैं तो उनका पेपर अच्छा रखा जाता है, स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है, तो नॉट ओनली इन इकोनॉमिक्स, फिजिक्स में बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर बहुत टफ पेपर था, कोई मैथ्स में कह रहा है सर पेपर नहीं हिल रहा था, कोई इंग्लिश में कह रहा है कि सर बहुत टफ पेपर आया था, हिंदी वाले अलग अपना रोना रो रहे हैं, तो हर इंसान कहता है कि पेपर टफ था। अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि सर पेपर बहुत आसान था और मैंने बहुत हल्के में लेके उसको कर दिया। ठीक है, तो भाई मुझे ही, मैं अपने अगर एग्जाम्पल लूँ तो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ और मैंने इकोनॉमिक्स को करा तो मैंने बहुत सोच समझ के 80 में से, मैं आपको बताऊं, मैंने 70 क्वेश्चन टच किए। ठीक है, और उन 70 क्वेश्चन में से जब मैंने आखिर में आके मिलाए तो मेरे क्वेश्चन बैठ रहे हैं 61-62 के आसपास आपके इकोनॉमिक्स में, बाकी GS थोड़ा सा गड़बड़ा गया और पढ़ा नहीं था क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। भाई देखो 8-to-5 की वर्किंग में हम लोग दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है, और अपना वक्त निकालते हैं, आप वीडियो भी बनानी है आप लोगों के लिए और पढ़ना भी है, तो कभी मैं बस में जाते वक्त पढ़ता हूँ, आते वक्त पढ़ता हूँ, लंच में पढ़ता हूँ, जब भी कभी मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं टाइम निकाल लेता हूँ, लेकिन GS मेरा काफ़ी टाइम से छूटा हुआ था, तो GS में मैं ज़रूर कहूँगा, और GS थोड़ी आसान भी नहीं आई थी, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं थे, कुछ ही क्वेश्चन थे जो थोड़े से आसान थे, अदरवाइज मैंने अटैम्प्ट तो करने ही थे, अटैम्प्ट किए और उसमें मेरा थोड़ा सा निगेटिव मार्किंग में क्वेश्चन कट गए, तो करीब आपके 15-16 ही क्वेश्चन ठीक हो पाए काट पिट के, तो अब देखें क्या रहता है स्कोर। लेकिन मतलब मुझे जो लगता है कि स्कोर जो है वो
50% टू 55%, यानी कि 60 से 70 क्वेश्चन के बीच में है, तो उम्मीद है कि आपको कॉल आएगा मेंस के लिए, लिखने के लिए आना चाहिए, ठीक है। मेरे तो यही दुआ है। तो ये मैंने देखा, और आप अगर चेक भी करेंगे, अगर नॉट ओनली ऑन माई प्लेटफॉर्म, अगर आप किसी और यूट्यूबर्स के प्लेटफॉर्म पे जाके चेक करेंगे, तो मोर और लेस आपको यही रिस्पॉन्स मिलेंगे। तो इससे एक एक आइडिया तो लग जाता है कि भाई क्या मेरिट जाने वाली है, क्या कट ऑफ जाने वाली है। कहने को मैं कोई कट ऑफ बता दूं या कोई और बता दे, तो खुद का भी एक जजमेंट होता है, खुद की भी एक एनालिसिस होती है कि हाँ भाई दिस कुड बी दी कट ऑफ। ओके, तो एक तो बात ये रही। अब बात आती है कि अगर आपको लगता है कि हाँ आपका बन रहा है, तो आप मेंस की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि मेंस की तैयारी भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, और जो पहला पेपर है इसमें क्या हिंदी और निबंध लिखने के लिए आएगा, जो कि 100 नंबर का पेपर है, जिसमें 50 नंबर की हिंदी है और 50 नंबर का उसमें आपको ऐसे लिखने को आएगा। और जो सेकंड पेपर, जो कि आपका ऑप्शनल है, जो कि आपका वैकल्पिक सब्जेक्ट है, तो वो आएगा आपका 300 नंबर का। तो उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपका सिलेबस पड़ा हुआ है, और आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करना है, थोड़ा तो सा धूल हटानी है, और अच्छे से उसको याद करना है, क्योंकि वहां पर आपको जो है इलेबोरेट करके लिखना होगा, वो पेपर ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, तो वहां पर आपको उसको लिखना पड़ेगा। लेकिन चाहिए बात जीएस आपके हिंदी और ऐसे राइटिंग की, तो बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर हिंदी के लिए कोई किताब बताइए। तो वैसे मैं एक बार बता दूं, मैं किसी किसी भी पब्लिशर का कोई प्रमोटर नहीं हूं, मैं किसी पब्लिशर का से कोई पैसे नहीं लेता, ना मेरा कोई किसी से मतलब है। बट बच्चे ने मुझसे पूछा, तो मैंने उनको बताया। तो अगर आप चाहें तो मेरे चैट बॉक्स में जाके देख सकते हैं, एक बच्चे ने मुझसे पूछा भी है कि सर हिंदी के लिए कोई किताब बताइए, तो मैंने वहां उसको मेंशन कर दिए। बट ड्यूरिंग माई वीडियो आई वोंट टेल, क्योंकि ये फिर एक प्रमोशन हो जाएगा, और बच्चे कहेंगे सर ने पैसे उसे ले लिए सर किसी पब्लिशर से, तो वो अथिकल नहीं है, वो मैं नहीं कर सकता पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। आप वहां जाके चेक कर लीजिए, आपको अगर लगता है कि कोई वाकई में हिंदी जिसको पता होगा वो नहीं चेक करेगा, जिसे नहीं पता है तो वो वहां जाके चेक कर ले, थोड़ा सा कोशिश करे, वहां आपको राइटर का नाम मिल जाएगा, मैंने लिख रखा है। ओके, तो वो पढ़ लीजिए, उसमें आपको सब मिल जाएगा, तत्सम तद्भव, ठीक है, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची, और वो दुनिया भर की चीजें जो सिलेबस में पूछी जा रही हैं वो सब आपको मिल जाएंगी। और रही बात ऐसे राइटिंग की, तो ऐसे के लिए अच्छी मैगजीन्स जो है हिंदी की, चाहे जो भी आप अच्छी मैगजीन पढ़ते हो हिंदी के लिए, जो भी करंट अफेयर्स की आती हैं वो पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें जो ऐसे के जो टॉपिक्स दे रखे हैं वो वही टॉपिक्स हैं जो करंट अफेयर्स की मैगजीन में आते हैं, जैसे कि संस्कृति और आपके कल्चर के ऊपर सवाल, ठीक है, देश विदेश की जो परियोजनाएं चल रही हैं देश में वो, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो सब उसके ऊपर जो टॉपिक्स हैं, तो वो आपको मैगजीन में मिल जाते हैं। तो आप वो पढ़िए, हिंदी तो आप लोग लिख ही लेंगे, लेकिन अगर आपके माइंड में आइडियाज आ जाते हैं कि आपको लिखना क्या है, कंटेंट आपको पता है, तो यू कैन बिल्ड दी स्टोरी, आप कहानी लिख सकते हैं। और बाकी तो आपको पता ही, आपको कैसे पढ़ाई करनी है, हिंदी तैयार करनी है, अपना सब्जेक्ट तैयार करना है, टोटल 400 नंबर का पेपर होगा। ओके, हिंदी के लिए भी आपको जो है हिंदी और निबंध के लिए 2 घंटे मिलेंगे, और सिमिलरली आपको जो है आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए टाइम दिया जाएगा। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि क्योंकि पीजीटी का इंटरव्यू भी आ रहा है, तो पीजीटी के इंटरव्यू के लिए भी आपको वही सब्जेक्ट पढ़ना है जो कि आपका जीआईसी के लिए। तो घबराने की जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है, आप अपनी तैयारी शुरू कर दिए विदाउट वेस्टिंग टाइम। और इससे अगली वीडियो जो मैं आपके सामने शेयर करूंगा, तो उसमें मैं बात करूंगा कि जो सिलेबस है उसको मैं और डिटेल में बताऊंगा, जो कि हिंदी का पार्ट है, कि हिंदी कैसे तैयार करें, क्योंकि 100 नंबर की हिंदी आएगी और उसमें ऐसे राइटिंग आएगी, ये बहुत ही स्कोरिंग है, मतलब अगर आपने बहुत अच्छे से उसमें कर लिया, क्योंकि हिंदी वाले सेक्शन में एक गद्यांश लिखने को आएगा, जिसे हम पैराग्राफ बोलते हैं, तो अगर गद्यांश आपने अच्छे से कर लिया और आपने ये सब पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, अनेकार्थी शब्द ये अच्छे से कर लिए, तो इससे जो है आपका स्कोर बहुत बिल्ड हो सकता है, इसमें अच्छे नंबर आ सकते हैं, क्योंकि अगर आपके सब्जेक्ट में थोड़े कम भी रह गए तो वो वहां से कवर अप हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और आपको जीआईसी में फाइनल लिस्ट में अपना नाम देखने को मिल सकता है, इस तरीके से आप अप्रोच अगर यूज करें, क्योंकि टाइम बहुत कम है, दिसंबर की ऑलरेडी डेट दे रखी है उन्होंने मेंस कराने की, तो दिसंबर के आसपास मेंस होगा, तो बहुत जल्दी इसका रिजल्ट, आंसर कीज भी आएंगे, रिजल्ट भी आएगा। ओके, और रही बात कुछ सवालों की जो बच्चों ने प्लेटफॉर्म पे शेयर किए, कि उनसे ओएमआर शीट में गलती हो गई है। जैसे एक बच्चे ने शेयर किया कि सर मैंने ओएमआर शीट में अपना सब्जेक्ट कोड नहीं भरा और ना ही उसका गोला फिल किया, तो उसमें मैं यही कहूँगा कि गलती की है आपने बड़ी, क्योंकि कोई भी ओएमआर रीडर जो होता है, जो कि मशीन होती है जो कि आपकी ओएमआर शीट चेक करती है, वो आपकी जो सारी एंट्रीज जो आपने फिल की हैं उसी अकॉर्डिंग आपकी जो ओएमआर शीट चेक होती है। तो अगर आपने सब्जेक्ट कोड ही नहीं भरा तो ओएमआर शीट को कैसे पता चलेगा कि ये किस सब्जेक्ट की ओएमआर शीट है, ये केमिस्ट्री की है या फिजिक्स की है या जुआलॉजी की है या बॉटनी की है
बायोलॉजी की है या हिंदी इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट जिसमें जीआईसी का एग्जाम कराया गया, तो ओएमआर शीट को कैसे पता चलेगा? इसमें तो कोई वहां पर कमीशन में मैनुअली भी कोई इसमें फिल नहीं कर सकता, तो ऐसे केस में चांसेस, मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मुझे बोलना नहीं चाहिए, ऐसे केस में जो है ओएमआर शीट के रिजेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन मेरी दुआ यही है कि शायद उस कमीशन जो एक्सेप्ट कर ले, या हो सकता है कुछ और अटेंडेड सीट से, जो अटेंडेंस शीट थी उससे आइडेंटिफाई कर ले कि सब्जेक्ट कोड क्या है ना, क्योंकि लेकिन लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में जब ओएमआर शीट आती है तो उसमें फिर कोई मैनुअल इंटरवेंशन जो है ना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये ध्यान रखा करिए, आप लोग जरा एग्जाम देते हैं तो थोड़ा सा ओएमआर शीट वगैरह ढंग से भरा करिए, तो आगे जब भी कोई एग्जाम हो तो अच्छे से सही तरीके से पढ़ के ध्यान से ओएमआर शीट भरिए, जिससे कि आपकी मेहनत जो है वो जाया ना जाए, वेस्ट ना हो। ओके, तो यही मेरी दुआ है। ये छोटी सी मैंने आज आपसे बात की, अगर आपको कोई लगता है आपके डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगली इस वीडियो में मैं जो है एक अच्छी सी अप्रोच आपके सामने डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से आपको अपने मेंस के लिए तैयारी करनी है, और उसके अलावा फिर जो एक आने वाले टाइम में जो उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कंडक्ट कराया जाने वाला है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल दानिश करियर काउंसलिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।